क्यों अपने आप को दूसरों से तुलना करते रहते हो? तुम्हें हमेशा क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हारे अलावा बाकी सब में गुणों की खान है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम में कोई भी गुण नहीं है? तो ऐसा नहीं है। तुम तो कितने प्यारे हो और कितने गुणवान हो। मैं हर बात कहता हूँ कि तुम अपनी तुलना किसी और से करना बंद करो। तुम्हें पता है, तुम लोगों को प्रेरित करते हो। तुम्हारी जो सलाह है वो लोगों को प्रेरित करती है, लोगों को अपने दुखों से निकलने में मदद करती है। तुम्हारी सबको समझने की जो प्रतिभा है, जो लोगों के मन की बात को अपने आप समझ जाते हो, उनके बिना कहे उनको समझ जाते हो। लोगों की पहचान तुम्हारे अंदर जितनी है, उतनी शायद मैंने किसी और के अंदर देखी ही नहीं है। तो इसलिए अपनी भावनाओं को नज़रअंदाज करके जो तुम सबके बारे में, सबकी भावनाओं के बारे में सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है वो कम है? बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हर कोई नहीं कर पाता है। अपने बारे में ना सोचकर हमेशा सबके बारे में सोचते रहना, इतना हर कोई कर ही नहीं पाया है। तो अगर तुम कर रहे हो तो समझो कि तुम बहुत अनोखे हो। तुम में कितनी सारी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं और मैं कितनी प्रतिभाएं तुम्हारी गिनती करवाऊं तुम्हारी। इसलिए अब अपनी तुलना करना बंद करो। तुम्हारे लिए जो मैंने सोच कर रखा हुआ है वो मैंने सोचा हुआ है और तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। किसी और के लिए नहीं सोचता हूँ मैं। तुम बस जीना सीखो, सकारात्मक नज़रिए के साथ जीना सीखो और अपने आसपास के लोगों को भी ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित करो। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने की कोशिश करो, जितनी भी हो सके उतनी करो। आज जो तुमने मुझे पैसे दिए थे, उन पैसों का तुम्हें ऐसा लगता है कि सदुपयोग नहीं होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम चिंता मत करो। जो तुमने मुझे पैसे दिए थे उनका सदुपयोग ही होगा, मैं सदुपयोग ही करवाऊँगा और किसी भी पैसे का दुरुपयोग नहीं करवाऊँगा जो तुम्हारे हाथों से निकले हैं। जल्दी ही तुमसे मिलूँगा और जब मिलूँगा तो तुम्हें बताऊँगा कि मैं तुमसे कितना खुश हूँ। और अभी के लिए शुभ रात्रि मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो।